सूर्योपासना और लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिखा। छठ व्रतियों ने शाम में आस्था चलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित किया। झारखंड सरकार की ओर से वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रांची के डोरंडा स्थित 56 सेट में निर्मित कृत्रिम तालाब में आस्था चलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित कर राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि बचपन से ही वह छठ महापर्व के मौके पर अर्घ अर्पित करते रहे हैं। बचपन में उनके घर में ही छठ पर्व होता था। वे हमेशा आस्था चलगामी और उद्यमान सूर्य की अर्घ अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र देश है जहां डूबते सूर्य और उगते सूर्य दोनों की पूजा होती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जिस प्रकार भगवान सूर्य सबको बराबर समझते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार हम सभी भेदभाव भुलाकर पूरी मानव समाज को एक नज़र से देखने की ज़रूरत है। देखिए, आज से नहीं, जब स्कूल में था मेरे घर में भी छठ होता था और मैं इसी तरह से संध्या में संध्या पूजा भगवान सूर्य की और कल जो सुबह में पूजा होगी उस पूजा में शामिल होता था। बाहर चला गया पढ़ने के लिए तो छूट गया, लेकिन बचपन से ही आदत रही है। तो अच्छा लगता है भगवान सूर्य की पूजा करने में, अस्त और उदय दोनों समय में। लोग कहते हैं कि कहावत है कि उगते सूरज की पूजा की जाती है, लेकिन भारत में दर्शन ऐसा है कि हम अस्त होने वाले सूरज की भी पूजा करते हैं। ये हमारा दार्शनिक है ना, दर्शन की एक विजय है, दर्शन का विजय है ये। हम इस तरह का भाव रखते हैं हिंदुस्तान में कि हम किसी को छोड़ते नहीं, चाहे अस्त हो रहा हो चाहे उदय हो रहा हो, ये भेद नहीं करते। प्रकृति हैं भगवान सूरज, हम उनकी पूजा करते हैं। मंत्री जी, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस छठ व्रत को लेकर के? छठ व्रत को लेकर के संदेश भाइयों और बहनों सबको, बच्चों को भी, कि ये पर्व शांति लावे पूरे समाज में, सौहार्द लावे पूरे भारत में, पूरे झारखंड में, सबको उन्नति मिले। और जैसे भगवान सूर्य की किरणें किसी को भी ऊंच नीच के भाव से नहीं पहचानती, सबको बराबर समझती हैं और अंधेरे को दूर करती हैं किरणें, उसी तरह से हम हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति एक समदृष्टि, समान दृष्टि से सबको देखे। तो जो समाज का मेंबर सदस्य जो भी हो, सबको एक नज़र से देखे, एक दृष्टि से देखे, यही मैं संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के वित्त मंत्री, जिनसे हमने अभी अभी बात की। और हमने